दिग्विजय सिंह जी, आप कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से माने जाते हैं। आज सिचुएशन पार्टी की ये है कि आप चुनाव पे चुनाव हार रहे हैं और आप बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये समय नहीं आ गया कि सीनियर लीडर्स बैठ के सोचें कि अब उनको क्या करना है? बात चुनाव हारने जीतने का नहीं होता है, बात अपनी विचारधारा पर कायम करते हुए जनमानस में, जनता के बीच में काम करते रहना, जनता की लड़ाई करना, करते रहना, यही सबसे बड़ा एक हमारे लिए एक राजनीति में, समाज सेवा में एक उद्देश्य होता है। कांग्रेस में उतार चढ़ाव हमने देखे हैं। 77 में मैं चुनाव जीत के आया था एज MLA और लोग कहते थे कांग्रेस खत्म हो गई, इंदिरा जी खत्म हो गई, खत्म, राइट ऑफ। कई बार कांग्रेस को लोगों ने राइट ऑफ किया है। केसरी जी के समय आप तो हमारी बीट करती थी कांग्रेस, कहते थे अब खत्म हो गई है कांग्रेस, रिवाइव हुई कांग्रेस 2004 में, 2009 में फिर हमने सरकार बनाई। हाँ, उतार चढ़ाव हर राजनीतिक दल में आते हैं, एक धार्मिक उन्माद का उफान है देश में, और भारत में नहीं पूरे विश्व में एक राइट विंग का एक उफान आया था, लेकिन ये एक कर्व है और अब ये जो कर्व है अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद से समाज में शत्रुता बढ़ रही है, वैमनस्यता बढ़ रही है, ये समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए खतरा है। आप जिस विचारधारा की बात कर रहे हैं उसमें आप चेहरा फिट करते रहे राहुल गांधी का, क्या पूरी कांग्रेस पार्टी में एक नेता नहीं है जो उस विचारधारा को आगे बढ़ा पाए? सिर्फ राहुल गांधी के पीछे क्यों नहीं है? है ना, आप कहिए चुनाव लड़ेंगे आप सितंबर में? बात यह है, वो तो मुझ पर छोड़िए ना, क्यों नहीं कहते हैं? अरे मुझ पे छोड़ दिए ना, कि आपके कहने से चुनाव लड़ूंगा मैं? नहीं, मेरे कहने मत लड़िए। तो आप ये तो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी में कहां हो रहा है चुनाव? आप कह रहे हैं इंटरनल डेमोक्रेसी है, कोई आदमी सामने खड़ा होता है क्या? इंदिरा जी, कोई आदमी सामने खड़ा होता है? सोनिया जी खिलाफ सारे चुनाव विरोध हो जाते हैं। सोनिया जी खिलाफ जितेंद्र प्रसाद जी चुनाव लड़े थे, कब की बात है ये जी? एक जनरेशन चेंज हो गई, ठीक है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में एक भी चुनाव बताइए। आप क्यों तुलना करना चाह रहे हैं बीजेपी से? तुलना करें क्यों करना चाह रहे हैं? तुलना करें, आप अपनी बात करिए। आप जब तुलना कर रहे हैं मैं क्यों ना तुलना करूं? मैं तो सिंपल सा एक सवाल पूछ रहा हूं। आप जब तुलना कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी में, सुन लीजिए, मैं झगड़ा करने नहीं आया, मैं आपसे बात करने आया हूं। नहीं, हम बात ही कर रहे हैं, तो आप झगड़ा मत करिए। बात यह है कि तुलना जो आप करेंगे, मैं भी तुलना कर रहा हूं। तो पूरी कांग्रेस पार्टी में सिर्फ राहुल गांधी जी, जो बात रेणु जी ने पूछी मैं उसी सवाल पे आ रहा हूं, कोई लीडरशिप नहीं है? क्या वक्त नहीं आ गया चेंज करने का? जो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, लीडरशिप है हमारे यहाँ, हर प्रकार की लीडरशिप है। चिदम्बरम हमारे यहाँ है, गुलाम नबी जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कौन कमी है? पूरे अशोक गहलोत हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ आप इनमें से एक अध्यक्ष बना दीजिए ना, इतने काबिल लोग हैं, एक को अध्यक्ष बनाइए ना। भाई एक बात सुनिए, आप गैर गांधी आप कहने से बनाएंगे? हम तो पूछ, हम चाहते हैं वही बने, सोनिया गांधी बने, आपको क्या ऐतराज है? ठीक है, आपकी मर्जी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP News, आपको रखे आगे।